कन्नौज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा नेत्री शाशिमा सिंह ने तीनों सीटों को जिताने का किया दावा। हमारे संवाददाता ने बात की सीबू सैनी ने। बात करते हुए सपा नेत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जनता को गुमराह करके जनपद में अपने छल और कपट से दो सीटों पर कब्जा कर लिए थे, लेकिन इस बार जनपद की जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म जाति की राजनीति करती है। विकास के नाम पर भारतीय जनपद में अगर अपने किए हुए पाक विकास कार्य गिना दे तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ हद तक सच बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मन की इसलिए खा जाते हैं क्योंकि यहां पर पिछले 5 सालों से विकास बिल्कुल जीरो रहा। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। इसके लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। समाजवादी पार्टी अपनी क्या तैयारियां कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। जिस पार नेत्री हैं जो सुषमा सिंह प्रदेश सचिव भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या तैयारियां चल रही समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर। नमस्कार चैनल में, बहुत मेरे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर हम सभी के बीच आएंगे। आपको कैसे मालूम है मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, पब्लिक की रिपोर्ट आप ले लीजिए, जनता कितना परेशान है और जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए था पूरी तरीके से तो वहाँ पर फेल साबित हुई है। और समाजवादी पार्टी ने इतने विकास किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, वो बेहतरीन व्यवस्थाएं दी हैं जो जनता, विकास के समाजवादी पार्टी ने गिनाई है। चाहे आप बेहतरीन सड़क को लेकर के हों, चाहे वो पेंशन योजना को लेकर के हों, चाहे वो महिला कानून व्यवस्था को लेकर हो, और चाहे वह चिकित्सा को लेकर हो। भाजपा के लोग कह रहे हैं सपा की सरकार में ज्यादा गुंडागर्दी होती थी। ये तो हम भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है कि एक तहसीलदार को जाकर घर में घुस के थप्पड़ मार दिया जाता है। इससे बेहतर सरकार किसको मिलेगी? तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं होती आपकी नजर में, या जनता की नजर में, या भारतीय जनता पार्टी की नजर में? अगर सरकार आती किस तरह विकास करेंगे आप? देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पर ही कार्य किया है, बेहतर रोजगार दिए हैं। कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बेरोजगारी नहीं फैली थी। राशन को लेकर, पेंशन योजना को लेकर, और कन्या विद्याधन हो या लैपटॉप हो, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा के क्षेत्रों को भी लेकर सबसे ज़्यादा अगर बेहतरीन व्यवस्थाएं किसी ने दी हैं तो वो समाजवादी पार्टी ने दी हैं। और जनता आज भी समाजवादी पार्टी को पसंद करती है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठग कर सरकार बनाई थी और जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है ये सब आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ऐसे हम लोग गांव देहात में गए हैं, वहां लोग कह रहे विधायक जी को तो जानते नहीं, इस पे क्या कहना है? 3 बार से ये पब्लिक का, देखिए अपना अपना मुद्दा होता है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। अगर कोई ये कहता है कि वो विधायक जी को नहीं जानते तो 3 बार के वो जीते हुए हैट्रिक विधायक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विधायक जी को नहीं जानते? क्षेत्र में भी काम हुआ है और जो सरकारी योजनाएं मिली थी वो तो सभी को मिली थी। और आज भी फील्ड पर मैं भी रहती हूँ, मेरे सामने आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला, और मैं देख रही हूँ कि पब्लिक जो है वो अच्छी तरीके से प्रभावित है और इंतज़ार करती है कि कब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमें अच्छी व्यवस्थाएँ मिलेंगी तो कन्नौज में किस तरह विकास होगा? देखिए, कन्नौज में कन्नौज हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, जो अगर आप कन्नौज की बात करते हैं तो देखिए, एक किसान मंडी सबसे अच्छी ठठिया में बैठती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है। और इत्र और इतिहास की नगरी कहा जाता है, बेहतरीन परफ्यूम को लेकर के पार्क बनाया गया था यहाँ पर, वो भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। और भी जितनी भी अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैली हुई हैं वो सभी कन्नौज में पूरी होंगी, अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, रोजगार, आप मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, जिला अस्पताल चले जाते हैं आपको वो अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। कंपीजन ने समाजवादी स्प्रे निकाला था, उस पर उनके छापेमारी हुई, उस पर आपका क्या कहना होगा?
देखिए वो सत्ता में बैठे हैं, गलती से उन्होंने छापा, उन्हें कहाँ डालना चाहिए था, उन्होंने पीयूष जैन के यहाँ डलवा दिया और जोड़ दिया समाजवादी पार्टी को। वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और ये सत्ता पक्ष में होने का फायदा उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने लगा। जैसे सुषमा जी ने बताया 22 में अगर सरकार आती है तो हमारा पूरी तरह से विकास होगा कन्नौज में। उन्होंने ये भी कहा है 22 में पूर्व बहुमत से समाजवादी की सरकार आ रही है अखिलेश की। कन्नौज से तेजस के लिए शिव सैनी।